सभापति महोदय, मैं अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मुंबई की सरस्वती नाम की लड़की की उसके लिव इन पार्टनर ने बेरहमी से हत्या कर उसे प्रेशर कुकर में पकाकर कुत्तों को खिला दिया था। समय समय पर ऐसी घटनाएं प्रकाश में आती हैं। WHO के आंकड़ों के अनुसार दुनिया भर में 35% महिलाओं की हत्या उनके इंटीमेट पार्टनर ही करते हैं। UNODC के अनुसार अब जब एक साथी दूसरे की हत्या करता है तो उनमें 82% प्रकरण में महिलाएं ही पीड़ित होती हैं, किंतु कई बार पुरुष भी शिकार होते हैं। भारत में विवाह एवं परिवार एक सांस्कृतिक विरासत है। हमारे धार्मिक ग्रंथ, प्रथाएं, मान्यताएं लिव इन को मान्यता नहीं प्रदान करते हैं, किंतु 4 दशक पहले 1978 में बद्री प्रसाद बनाम डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने लिव इन पार्टनरशिप को मान्यता दी थी। इसका दुष्परिणाम है कि इसका प्रचलन भारत में तेजी से बढ़ा है। संभवतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसे मान्यता इसलिए दी है जिससे ऐसे संबंधों के पालित संतान एवं महिला को न्याय मिल सके। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि भारतीय समाज ऐसे संबंधों को अनैतिक मानता है, परंतु यह गैर कानूनी नहीं है। मेरी मान्यता है यदि यह अनैतिक है तो गैर कानूनी भी होना चाहिए। जस्टिस मलमत्ती कमेटी ने पत्नी की परिभाषा की पुनर्व्याख्या की है और ऐसे संबंधों में रहने वाली स्त्री को भी पत्नी की संज्ञा दी है और विवाह कानूनों का लाभ देना सुनिश्चित किया है। यदि ऐसी परिस्थिति है तो विवाह वे लोग क्यों नहीं करते हैं? सरकार इस विषय का संज्ञान ले और कानून बनाए जिससे इस अपसंस्कृति को रोका जा सके और महिलाओं की सुरक्षा की जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय।